जी बिल्कुल, मेरे साथ है सिविल एविएशन के कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। काफी मायूस नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जनाब, हम लोग पिछले 10 साल से जो है मुल्तान एयरपोर्ट पर जॉब कर रहे हैं, और पहले ठेकेदार थे, फिर हम लोग रिटेनरशिप पर आ गए, फिर एक हुकूमत आई, उसने हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया, और सैलरीज भी कम है जिसकी वजह से हम धक्के खा रहे हैं। हमने केस भी किया हुआ है, फैसला भी हमारे हक में आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, इस्लामाबाद है, मुल्तान से आए हुए, तो बस धक्के खा के चले जाते हैं, कोई मौसर बात नहीं मिलती, कुछ पता नहीं चलता, बस आते हैं इस तरह से फंड इकट्ठा करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। तो अभी तक जो उम्मीदें थी आपको इंसाफ की, वो किधर गई हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वजीर हवाबाजी साद रफीक थे जिन्होंने हमारा ये काम नहीं होने दिया, तो उम्मीद है वो सियासी इख्तलाफ खत्म करके जो है गरीबों के बारे में सोचेंगे। नहीं, आप साद रफीक को डायरेक्टली टारगेट कर? डायरेक्टली कह रहा हूँ, साद रफीक को डायरेक्टली कह रहा हूँ, वो वजीर हवाबाजी थे तो उन्होंने ये जो है मसले को लटकाया। ये कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की, यानी आप कह रहे हैं कि साद रफीक सियासी इख्तलाफात की वजह से कुछ इस तरह, क्योंकि उन्होंने जो है पीपी जो है वो गरीबों का सोचती है, उनको जॉब देती है, और ये जो है हमेशा इस तरह ही करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा ये हाल है। मेरा मैं कोई आप पे ये नहीं कह रहा हूँ, तनकीद कर रहा हूँ, यहाँ पीपल्स पार्टी के सब तकरीबन जितने मुतासरीन हैं सब पीपल्स पार्टी का नाम कह रहे हैं कि ये मुलाजमीन के सरों पे हाथ रखती है, करती है। तो क्या मेरा बड़ा तल्ख क्वेश्चन होगा, थोड़ा माजरत के साथ, क्या अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये पीपी ने आप लोगों को यहाँ भेजा है या आप अपने राइट के लिए आए? नहीं, हम अपनी तरफ से आए हैं, और हमारा केस जो है लास्ट 3 ईयर से कादिर मंदू खेल साहब लड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल वो लड़ रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, और वो हर तरह से हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हम हमें रहनुमाई कर रहे हैं, और बिल्कुल हमें उन्होंने बुला नहीं। थैंक यू सो मच।